गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 30 मार्च और बात करने वाले हैं 30 मार्च 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी के बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखिए, आज का सेशन अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी जो नमक की गुफा है वो कहाँ पर खोजी गई है। तो देखिए, चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसराइल, इसराइल में खोजी गई है। इसराइल के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने मलहम मलहम नामक दुनिया की सबसे लंबी जो नमक की गुफा है उसकी खोज की गई है। इसराइल का सबसे बड़ा पर्वत जिसका नाम है माउंट सोडोम, वहां से होकर जाती हुई इस गुफा की लंबाई की बात करें तो 10 किलोमीटर इसकी लंबाई है, यानी कि 6.25 मील इसकी लंबाई है, और मृत सागर के दक्षिण पश्चिम कोने तक ये गुफा फैली हुई है। यरूशलम के हिब्रू विश्वविद्यालय के नेतृत्व में 9 देशों के गुफा खोजकर्ताओं के द्वारा 2 वर्षों में इसका मानचित्रण किया गया था। वर्ष 2006 में शोधकर्ताओं ने दक्षिणी ईरान के जो केसम द्वीप है वहां से 6 किलोमीटर के अधिक लंबी N3 गुफा का मानचित्रण किया था। तो इसराइल में इसकी खोज की गई है। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, नेपाल निवेश शिखर सम्मेलन कहाँ पर शुरू होगा। तो देखिए, नेपाल निवेश शिखर सम्मेलन है, इसका मतलब सीधी सी बात है नेपाल में काठमांडू के अंतर्गत ये शुरू होगा। नेपाल के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? केपी शर्मा। केपी शर्मा नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम है। केपी शर्मा ओली ने काठमांडू में होटल सोल्टी में नेपाल निवेश शिखर सम्मेलन 2019 का उद्घाटन किया है। 2 दिन तक ये शिविर चलेगा और इसमें 600 से अधिक निवेशक, जिसमें चीन से 265 और भारत से 120 निवेशक भाग लेंगे। भारत सहित इस सम्मेलन में 40 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस समारोह का मुख्य उद्देश्य नेपाल को पसंदीदा निवेश स्थल के रूप में प्रस्तुत करना है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार के द्वारा किए गए अनेक नीतिगत सुधार और कानूनी पहलुओं को उजागर करने हेतु इस अनोखे मंच का उपयोग किया जाएगा। तो काठमांडू के अंतर्गत नेपाल निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है, भारत ने किस देश के साथ में क्रूज सेवा की शुरुआत की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत ने बांग्लादेश के साथ में इसकी शुरुआत की है। भारत और बांग्लादेश ने 29 मार्च 2019 को एक क्रूज सेवा प्रारंभ की है जो यात्रियों को सुंदरबन से ढाका तक ले जाएगी। इस पहल का उद्देश्य जो भारत और बांग्लादेश दोनों देश हैं उनके बीच में अंतर्देशीय जो जलमार्ग है उसको मजबूत करना ही इसका उद्देश्य रह गया है। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है, क्योंकि अंतर्देशीय जलमार्गों का उपयोग करके माल की आवाजाही प्रारंभ होती है, इसलिए भारत से माल बांग्लादेश के नारायणगंज और ढाका तक सबसे सस्ते संभावित रूप में भेजा जा सकता है। पिछले वर्ष लगभग 26 लाख बांग्लादेशी नागरिकों के भारत का दौरा किया था। एक क्रूज जहाज एक यात्री जहाज होता है जिसका उपयोग समुद्री यात्रा के लिए किया जाता है। तो बांग्लादेश के साथ में ये सेवा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, किस देश की सरकार के द्वारा शारदा पीठ गलियारे को खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो देखिए, चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन थर्ड पाकिस्तान इसका करेक्ट आंसर होगा। पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जो कश्मीर है जिसको POK के नाम से जाना जाता है उसमें शारदा पीठ की यात्रा के लिए एक गलियारा स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। शारदा पीठ पाकिस्तान के कब्जे वाले जो कश्मीर है उसमें एक प्राचीन हिंदू मंदिर है और एक सांस्कृतिक स्थल है। यह पाकिस्तानी नियंत्रित क्षेत्र में करतारपुर गलियारे के बाद में दूसरा धार्मिक गलियारा होगा जो कि दोनों पड़ोसी राष्ट्रों को जोड़ेगा। शारदा पीठ है, उसकी बात करें दूरी की, तो आपका जो श्रीनगर है श्रीनगर से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी को पर वर्ष 1947 में भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था उसके बाद में पाकिस्तान के नियंत्रण में ये चला गया था। कश्मीरी पंडित शारदा माँ को अपनी कुलदेवी या फिर इसको प्रमुख देवी मानते हैं। तो पाकिस्तान क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने के लिए एक प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया है। तो देखिए, UNSC के द्वारा पारित किया गया। UNSC का मतलब क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अपने सदस्य जो देश हैं उसको आतंकी वित्त पोषण के खिलाफ पे कानून लागू करने का आदेश देने वाला पहला प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। यह सभी राष्ट्रों से ये मांग करता है कि वे सभी आतंकवादी समूहों या फिर जो व्यक्तिगत अपराधी हैं उनको धन या फिर वित्तीय संसाधन मुहैया कराने को अपने घरेलू कानून या फिर विनियमों में गंभीर अपराध सुनिश्चित करे। सुरक्षा परिषद शांति के खतरों या फिर आक्रामकता के कार्यों की मौजूदगी निर्धारण करने का नेतृत्व करती है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा ये प्रस्ताव पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है, जुआन गुइदो को
लोकपद से 15 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया गया है। आपको बताना है कि वो किस देश से संबंध रखते हैं। तो देखिए, वेनेजुएला से ये संबंध रखते हैं। वेनेजुएला के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो एल्विस एमोरोसो हैं, उनके अनुसार वेनेजुएला के जो विपक्षी नेता हैं जिनका नाम है जुआन गुइदो, उनको 15 वर्षों के लिए लोकपद धारण करने से प्रतिबंधित कर दिया है। ये जो निर्णय है वो उस जाँच के बाद में लिया गया है जिसने उनके वित्तीय रिकॉर्ड की अनियमितता दर्शाई थी। ये जो निर्णय है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ न्यायिक आदेश के कार्यक्षेत्र, साहस और कानून की शक्ति में स्थापित अधिकतम अवधि के लिए होगा। तो वेनेजुएला इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक पुस्तक का नाम दे रखा है, पुस्तक का नाम है इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म, ये किसके द्वारा लिखी गई है ये आपको बताना है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त दोनों, क्योंकि वाई वी रेड्डी कौन है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं और भारत के 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, और इनके साथ साथ में तेलंगाना सरकार के जो सलाहकार वित्तीय हैं जिनका नाम है डॉक्टर जी आर रेड्डी, उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है, श्री एन के सिंह के द्वारा इसका विमोचन किया गया है, जो कि भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया है, श्री एन के सिंह के द्वारा किया गया है, और ये लिखी किसके द्वारा गई है, ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड वाई वी रेड्डी और जी आर रेड्डी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, सरकार ने बैंक ऑफ बड़ौदा में लगभग कितने करोड़ रुपए डालने का निर्णय लिया है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट 5,000 करोड़ रुपए डालने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में दो अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं, जिनमें एक का नाम है देना बैंक और दूसरे का नाम है विजया बैंक, इनके विलय से पहले बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि जो BOB है उसमें लगभग 5,042 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में देना बैंक और विजया बैंक का विलय 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी हो जाएगा। सितंबर 2019 में वित्त मंत्री जो अरुण जेटली हैं उसकी अध्यक्षता वाले जो वैकल्पिक तंत्र है उनके देने के बाद में विजया बैंक और जो देना बैंक है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय करने का फैसला किया गया था। तो 5,000 करोड़ क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, डिजिटल कृषि प्लेटफॉर्म जिसका नाम है बड़ौदा किसान, ये किसके द्वारा विकसित किया जाएगा। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा, बड़ौदा किसान इसका मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा इसका करेक्ट आंसर होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा जिसको BOB के नाम से जाना जाता है, कृषि आवश्यकताओं के समाधान के लिए कृषि डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है बड़ौदा किसान, तो ये डिजिटल जो कृषि प्लेटफॉर्म है ये विकसित करने हेतु कृषि सेवा कंपनियों के साथ में एक समझौता ज्ञापन के ऊपर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह पहल बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा IBM इंडिया के साथ में साझेदारी की जा रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने स्काईमेट वेदर सर्विसेज, वेदर रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज, बिग हार्ट एग्रोस्टार इंडिया और EM3 एग्री सर्विसेज के साथ में समझौते ज्ञापन के ऊपर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ब्रेक डांसिंग को किस देश में 2024 में होने वाले जो ओलंपिक खेल हैं उनका दर्जा देने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया गया है। तो कौन से देश में किया गया है, इसका करेक्ट आंसर होगा पेरिस में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जिसको IOC के नाम से जाना जाता है, कार्यकारी बोर्ड ने जून में आयोजित होने वाली सभी सदस्यों की बैठक के दौरान 2024 में पेरिस ओलंपिक खेलों में ब्रेक डांसिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग को शामिल करने की सिफारिश की है। IOC के अध्यक्ष जिनका नाम है थॉमस बेच इनका नाम है, उन्होंने स्विट्जरलैंड में एक संवाददाता सम्मेलन के अंतर्गत ये कहा है कि ओलंपिक को अधिक समर्थ और प्रभावपूर्ण बनाना समिति का प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि इन 4 खेलों को पेरिस ओलंपिक खेलों में शामिल करने से युवा पीढ़ी के साथ में जुड़ने का अवसर मिलेगा। तो पेरिस क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है, भारतीय बास्केटबॉल टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर कौन सा होगा, वेसलिन मेटिक इसका करेक्ट आंसर होगा। वर्ष 2010 में ईरान को एशियाई खेलों में कांस्य पदक दिलाने वाले जिनका नाम है वेसलिन मेटिक, उनको भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया जाएगा। खेल मंत्रालय ने इस सर्बियाई खिलाड़ी के नाम को मंजूरी दे दी है। एक अनुभवी अंतर्राष्ट्रीय कोच मेटिक ने ईरान को वर्ष 2009 में फीबा FIBA एशिया चैंपियनशिप में जीत दिलाने के साथ में ईरान को पहली विश्व चैंपियनशिप 2010 के लिए क्वालिफाई करने में सहायता मिली थी। भारत की राष्ट्रीय पुरुष बास्केटबॉल टीम अंतर्राष्ट्रीय पुरुष बास्केटबॉल में भारत का प्रतिनिधित्व करती है, जिसके मुख्य कोच के रूप में वेसलिन मेटिक को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, BCCI के आचरण अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो इसका राइट आंसर होगा, रिटायरमेंट हो चुके हैं अभी ये फिलहाल, न्यायमूर्ति जो DK जैन इनका नाम है, BCCI के आचरण के अधिकारी के रूप में यानी कि एथिक ऑफिसर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। COA ने सर्वोच्च न्यायालय
से हितों के संघर्ष के मामलों पर नजर रखने के लिए और एक लोकपाल के अलावा एक आचरण अधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध किया था। तो ये डीके जैन को नियुक्त किया गया है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से 30 मार्च 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने उन सभी के बारे में अपने बात की है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके मोटिवेट करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटे के आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर मिलते रहे। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय।